दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल की यह वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी हमारे मोबाइल में एड्स आती हैं उन्हें किस तरह से रिमूव किया जाए, उन्हें किस तरह से हटाया जाए। लेकिन एड्स को हटाने की क्या जरूरत पड़ती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम खुद यह नहीं चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में एड्स आए, क्योंकि एक तो हमारा इससे समय बर्बाद होता है और बहुत दिक्कत आती है। दूसरा, हमें यह नुकसान हो जाता है कि इंटरनेट की स्पीड जोन सी है वो कम हो जाती है, और जोन सा हमारा इंटरनेट डाटा होता है वो बहुत ही तेजी से खर्च होने लगता है। तो दोस्तों, एड्स को किस तरह हटाना है अपने मोबाइल में, तो यह हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना फोन ऑन कर लीजिए और आपने इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर प्ले स्टोर है, इस पर नहीं जाना है क्योंकि प्ले स्टोर में आपको यह एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेनू खोल लेते हैं। हम यहाँ से मेनू खोलने के बाद हमने क्या करना है, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, मैं यहाँ से क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और हमने यहाँ पर टाइप करना है ब्लॉक दिस। ब्लॉक दिस और इसे हमने सर्च कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर सर्चिंग रिजल्ट आ गया है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ये पेज आगे ओपन हो गया है। तो आपने क्या करना है, ये स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखिए, आप यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और यहाँ से हमने इसे ओके कर देना है। तो यह एप्लीकेशन मैंने पहले से अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है, तो इसलिए यहाँ पर रीप्लेस फाइल की ऑप्शन आ रही है। तो मैं यहाँ इसे रीप्लेस फाइल कर देता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। फिर आपने करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको चेक करा देता हूँ कि जो भी हमारी ऐड आती रहती है जब भी हम कोई ऐप यूज करते हैं, जैसे कि मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये ओपन करके ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐड आ रही है। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये फिर दोबारा से ऐड आ गई है यहाँ पर। तो हमने इसे बंद करने के लिए क्या करना है, इसे ब्लॉक करने के लिए हमने क्या करना है, तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉक इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने उसे ओपन कर लेना है। मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ क्योंकि यह मैंने इंस्टॉल कर ही लिया था। तो हमने क्या करना है, यदि आपका फोन बूट है जब भी यह काम करेगा, अगर बूट नहीं भी है जब भी यह काम करेगा, तो आपने यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे मोबाइल पर ऐड आ रही है या नहीं। तो मैं इसे होम पर चला जाता हूँ और यहाँ से
इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसमें अब ऐड आ रही है या नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कोई ऐड नहीं आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने ऐड को ब्लॉक कर दिया है जो ऐप हमने डाउनलोड किया था। तो दोस्तों, इस तरह से आप एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। जब भी आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम जब भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बीच में ऐड आती रहती है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उससे हमारी ये हानि हो जाती है कि एक तो हमारा जो सा इंटरनेट है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और दूसरा ये है कि जो सी इंटरनेट के डाटा की जो सी खपत होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा जो सा इंटरनेट डाटा होता है वो बहुत ही तेज़ी से खर्च होने लगता है। तो दो हमें इसके नुकसान हो जाते हैं, तो इसीलिए ऐड को हटाने का यह तरीका है, बहुत ही बेहतर तरीका है। आप इसे अपना सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।